जम्मू कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद्य ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से तैयार बर तैयार है। उन्होंने कहा कि इस दौरान यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी और अधिक से अधिक लोग इस यात्रा में भाग लें। डीजीपी वैद्य आज लुधियाना में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में हाल ही में दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक भी हुई है। उधर कश्मीर के हालातों के बारे में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान प्रॉक्सी वार में लगा हुआ है, लेकिन जेएंडके पुलिस, आर्मी व सुरक्षा बल कश्मीर में हालात ठीक करने में लगे हुए हैं। आज जो फंक्शन यहाँ लुधियाना में नोबल फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कश्मीर की मार धार से निकलकर यहाँ नन्हे नन्हे बच्चों में जो इस फंक्शन को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, इतना बढ़िया नोबल फाउंडेशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया और कितना नेक काम, जो कहते हैं नारायण सेवा नर सेवा है, और इन बच्चों को जिनको कोई पढ़ने का जरिया नहीं, अगर उनकी हम पढ़ाई कर रहे हैं, इससे ज्यादा भगवान की सेवा कोई नहीं हो सकती। एक नोबल काज है, हम सबको इससे जोड़ना चाहिए। तो सर, अभी जैसे अमरनाथ यात्रा हो रही है, कैसी तैयारी की गई वहाँ पे? अमरनाथ यात्रा की तैयारी हो रही है, अभी हमारी हाल ही में दिल्ली में मीटिंग हुई और सीरीज ऑफ मीटिंग्स होती हैं, कश्मीर में भी होंगी। इस बार अच्छे तरीके से अमरनाथ यात्रा होगी और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपील करूंगा कि वो आए और दर्शन करें। तो सर, जैसे पिछले माहौल थोड़ा सपोर्ट प्रॉब्लम है, अभी कितना है? पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वार छेड़ी है, वो कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हमारी वहाँ कश्मीर के लोगों के साथ जम्मू कश्मीर की पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस और आर्मी मिलकर एक अच्छा माहौल बनाने में कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आने वाला वक्त बहुत अच्छा रहेगा। पत्थरबाजी का पत्थर बड़े बहुत फर्क है। यात्रा के लिए कितनी आर्मी कितनी फोर्स, जितनी जरूरत होगी लगाई जाएगी, लेकिन यात्रा सीख रही। जागती लहर के लिए लुधियाना से बलराज खन्ना की रिपोर्ट।